दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब के माजरा स्कूल के बच्चों का आपसी विवाद और उसके बाद इस झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। माजरा के बाता पुल पर दोनों ग्रुपों के दर्जनों लड़के लाठी डंडे और गंडासियां लेकर एकत्र हुए। हालांकि गनीमत ये रही कि झड़प से पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख लड़कों में भगदड़ मच गई और एक लड़के ने पुलिस से बचने के लिए पुल से छलांग लगा दी। उक्त लड़का चोटें लगने से घायल हुआ है। उधर डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जिस लड़के ने पुल से छलांग लगाई थी उसका उपचार चल रहा है व पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या एक्शन ले रही है पुलिस? पुलिस थाना माजरा के तहत कुछ बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ते हैं और इनके बीच में दो तीन दिन से विवाद चला हुआ था, जिसमें एक जो वहाँ स्कूल है उसमें भी दिन दहाड़े आपस में इनके बीच में टकराव हुआ था। तो इसी के तहत आज पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लड़के जो हैं वहाँ पे बाता खड्ड में ब्रिज पे कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, जिस पर पुलिस थाना माजरा से टीम वहाँ पे तुरंत मौके पे गई और वहाँ से उनको हटा दिया गया है, रफा दफा कर दिया गया है। इसी दौरान जो है कुछ लड़के जो हैं इधर उधर जैसे उन्होंने भागने की कोशिश की, तो एक लड़का जो है उसने शायद वहाँ से छलांग भी लगाई है और जिसको हाथों में चोट भी आई है और उसका भी इलाज वगैरह चला हुआ है यहाँ पे। और पुलिस जो है उनको भी बाकी लोगों को भी डिटेक्टिवाइज करने की कोशिश कर रही है और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। सुना है तो स्टंट्स कर लेता है, कहाँ से सीखा? इंटरनेट से। बाइक भी उड़ा लेता हूँ, देखेगा। हिमाचल प्रदेश में इस साल अभी तक 1501 एक्सीडेंट हुए, 2133 लोग जख्मी हुए और 706 लोगों की जान गई। इन सभी अनमोल जानों को बचाया जा सकता था। एक्सीडेंट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए यातायात नियमों का पालन करें। ड्राइव सेफ, बी सेफ, रोड सेफ्टी सेल हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।